जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपनी एलईडीज के बारे में कि 4K एलईडी की नीड क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों आपको लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे के सारे लोगों के दिमाग में अभी भी ये फितूर है, गलतफहमी है या कंफ्यूजन कह लीजिए कि 4K टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आई नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपकी यही कंफ्यूजन का आंसर कर देता हूँ। 4K टेक्नोलॉजी टाटा स्काई, डिश टीवी, वीडियोकॉन, एयरटेल और जियो फाइबर, ये पांचों के पांचों सेटअप बॉक्स अपना 4K सेटअप बॉक्स लॉन्च कर चुके हैं। मैं आपको वीडियो सेक्शन में दिखा देता हूँ। टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स, मैं आपको इन सबके एक इंडिविजुअल प्राइस बताता हूँ। मैंने आपकी थोड़ी सी मेहनत कर रखी है, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि उसकी नीड क्या है। यहाँ पे आओ, इसको ये दिखाओ, ये चीज दिखाओ। ये पहले आप सोनी की या किसी भी कंपनी की एलसीडी यूज किया करते थे, एलसीडी के बाद आप एलईडी पे शिफ्ट हुआ। आपने टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड करी लेकिन पिक्सल साइज अपग्रेड नहीं करा। पिक्सल साइज अपग्रेड नहीं करा का मतलब फुल एचडी वो था और फुल एचडी पे आप रहे, बस आप एलसीडी को बेच के एलईडी पे शिफ्ट हो गए। आज की डेट में फुल एचडी एलईडी फ्री में भी नहीं लेनी चाहिए, आप तो पैसे देके खरीद रहे हो। फुल एचडी एलईडी लेने का मतलब आप मार्केट से कूड़ा खरीद के अपने घर ले आए। 4K एलईडी ही खरीदनी चाहिए। क्यों खरीदनी चाहिए मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। आप मार्केट गए, आपके पास पैसा बहुत था, आपने शोरूम वाले से बोले भैया एलईडी दिखाओ। उसने पूछा भैया कमरा कितने बाई कितने का था। आपका कमरा था मान लो 10x10 का, छोटा सा कमरा था। उसके लिए आपने एलईडी का साइज मांगा 50 इंच का। शोरूम वालों को टेंशन हो गई कि भैया का बजट ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा बड़ा साइज इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनका बजट अच्छा है, कि एलईडी बार बार नहीं खरीदते। और उसको टेंशन क्यों हुई कि अगर छोटे कमरे में बड़ा साइज लगाएंगे तो पिक्सल फटेंगे। जितना आप एलईडी के पास आएंगे ना उतना पिक्सल फटते हैं फुल एचडी पिक्सल पे, क्योंकि फुल एचडी 1080x1920 को बोलते हैं। अगर सेम चीज आपकी 4K हो जाए, आप उसे 4K चैनल चला रहे हो, आपकी एलईडी 4K रेजोल्यूशन में है, आपका सेटअप बॉक्स 4K रेजोल्यूशन में है, तो आप अगर एलईडी के 2 इंच पास भी आ गए ना फ्रेंड्स, ये एलईडी है और आप यहाँ पर आके देख रहे हो स्क्रीन को, तब भी उसके पिक्सल नहीं फटेंगे। यही एक रीजन था कि अब आप छोटे कमरे में 10x10 के कमरे में 55 इंच 50 इंच की एलईडी लगा के देख सकते हो और अपने एंजॉय कर सकते हो, उसमें आपके पिक्सल क्लैरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। 4K एलईडी की नीड समझ में आ गई। अब मैं आपकी कंफ्यूजन क्रिएट करता हूँ कि मार्केट में 4K एलईडी आ चुकी है, सारे के सारे चैनल 4K कैमरे से ही शूट हो रहे हैं। ये जितने भी आप स्टार प्लस कलर जितने भी चैनल देखते हो सब 4K रेजोल्यूशन पे शूट हो रहे हैं, 4K टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही आ रहे हैं, बन रहे हैं। जियो फाइबर ने 4K सेटअप बॉक्स निकाला, ऐसा तो है नहीं कि उसने अपनी सैटेलाइट अलग से लगा ली, नॉर्मल सैटेलाइट लगाई है, उसी सैटेलाइट से उसने भी टाई अप करा। जब जियो फाइबर के सारे चैनल 4K आ रहे हैं तो सारे के सारे सेटअप बॉक्स की कंपनीज 4K चैनल्स ही दिखा रही है। आपका सेटअप बॉक्स मोहनजोदड़ो के जमानों का है, 3 पिन केबल से आप आज तक चला रहे हो, HDMI लीड का यूज ही नहीं कर रहे, तो अच्छी क्वालिटी आप देख भी नहीं पा रहे। तो अभी की एडवाइस ये है कि आपको 4K एलईडी लेनी चाहिए। 4K सेटअप बॉक्स हर कंपनी ने लॉन्च कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ विद फोटोग्राफ। हर कंपनी ने 4K एलईडी और 4K सेटअप बॉक्स निकाल रखे हैं फ्रेंड्स। 32 इंच से 32, 40, 43, 50, 55, 65, 75, 95, 105, उसके बाद प्रोजेक्टर, सारे की सारी चीजें 4K रेजोल्यूशन पे आ चुकी हैं। और 4K रेजोल्यूशन क्या होता है, फुल एचडी से 4 गुना बड़ा रेजोल्यूशन होता है। फुल एचडी का मतलब 1080x1920 और 4K का मतलब 3840x2160 का रेजोल्यूशन, जस्ट 4x मेगापिक्सल, इसलिए वो फटता नहीं है, इसलिए वो पिक्सलेट नहीं होता। जियो फाइबर में 4500 रुपए स्टार्टिंग में देने हैं और फिर 1000 रुपए महीने का प्लान है। इसमें सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम बहुत सारे प्लान है। 1000 रुपए में सेटिस्फेक्ट्री प्लान निकाला, मैं आपको स्लाइड्स उसमें दिखा भी रहा हूं, मेरे साइड में आपको दिख रहा होगा जियो फाइबर का जो भी प्लान है। टाटा स्काई ने 3000 रुपए में 4K सेटअप बॉक्स दिया विद 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको 4K चैनल सारे के सारे मिल जाएंगे। वीडियोकॉन ने 8500 रुपए में 4K सेटअप बॉक्स प्लस 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया फ्रेंड्स। एयरटेल ने 3999 रुपए में 4K सेटअप बॉक्स प्लस 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया। ऐसे डिश टीवी, D2H बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने 4K चैनल्स के साथ में 4K सेटअप बॉक्स बना लिया और मार्केट में ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। इन सब साइट्स पे जाओगे आप, इन सबके ऑफिशियल साइट्स पे जाओगे तो वहां पे आपको पता लगेगा पिछले आधे घंटे या पिछले 1 घंटे में कितने 4K सेटअप बॉक्स बुक हुए हैं। तो अपने मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में जब 4K सेटअप बॉक्स और 4K एलईडी आप किसी घर में देखोगे, उसके बाद भी तो खरीदोगे ना, पहल आप क्यों नहीं कर सकते।
आज की डेट में, अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस 4K LCD को ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में खरीदने की ट्रिक क्या है, तो लास्ट तक बने। दूसरी खासियत क्या है 4K LCD में कि वो हमेशा स्मार्ट और एंड्रॉइड, स्मार्ट बेसिक फोन है LCD को जब हमने एडवांस करा, और एंड्रॉइड की सबऑर्डिनेट सुपीरियर फोन है। एक LED जिसमें एप्लीकेशन सपोर्ट हो जाते हैं, चल जाते हैं, उसे स्मार्ट बोलते हैं, और एक LED जिसमें एप्लीकेशन चल भी रहे हैं और साथ में प्ले स्टोर भी दे दिया जिसमें आप अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके चला रहे हो, उसे एंड्रॉयड LED बोलते हैं। तो जो 4K LED है वो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड वर्जन है, यानी कि सबसे सुपीरियर फोन है। तीसरा बेनिफिट क्या हो सकता है इसमें, इसमें लाइफ टाइम के लिए पेड चैनल जितने भी आप देखा करते थे, पैसे देके जितने भी चैनल आप देखा करते थे, वो सब फ्री आ रहे हैं फ्रेंड्स आजकल। 4K LED की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 4K सेटअप बॉक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लाइफ टाइम के लिए सारे चैनल फ्री का मतलब क्या कि कंपनी से एक इनबिल्ट एप्लीकेशन इसमें आ रही है, और उसमें सारे के सारे पेड चैनल, लगभग 700 चैनल इंडियन, 1000 इंटरनेशनल चैनल फ्री हैं। कोई भी आप नई मूवी देख रहे हो मार्केट में, कोई नई मूवी शुक्रवार को रिवील हो रही है, या कोई वेब सीरीज नहीं आ रही है, उसको आप 3-4 दिन वेट करो LED के अंदर, वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से अपडेट हो जाएगी और उसको आप डायरेक्टली लाइव देख सकते हो। ये चैनल फैसिलिटीज भी इसमें LED के अंदर आपको फ्री आ रही है, ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज अभी 4K LED निकाल रही हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दो फ्रेंड्स कि जितने भी आप फुल HD LED मार्केट से खरीद रहे हो, वो आपको पुराना ही स्टॉक काट रहे हैं। बहुत कम कंपनीज हैं जो फुल HD LEDs को निकाल रही हैं, अब जितनी भी नई कंपनीज हैं नए मॉडल में आपको 4K सीरीज ही दे रही हैं और देने की कोशिश कर रही हैं। फुल HD सेटअप बॉक्स बनने भी अब बंद हो चुकी है, उनकी प्रोडक्शन रुक चुकी है, अब 4K सेटअप बॉक्स आ रहे हैं। कुछ कंपनीज ने अपने मोबाइल तो 8K रेजोल्यूशन में भी निकाल दिए, सैमसंग के और iPhones कुछ 8K रेजोल्यूशन में निकल चुके हैं मार्केट में, तो अब फुल HD का कोई स्कोप नहीं है फ्रेंड्स, अब 4K की तरफ को शिफ्ट करना है। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, अगर किसी भी फ्रेंड्स के पास, किसी भी हमारे भाई बंधु के पास, सब्सक्राइबर के पास कोई पुरानी सेकेंड हैंड LED है, किसी भी कंपनी की हो, इवन चाहे वो असेंबल्ड हो, चाहे वो किसी ब्रांड की हो, उसके लिए हमारे पास एक्सचेंज ऑफर है 32 इंच 5000 रुपये में, 40 इंच 7000 रुपये में, और 50 इंच 12000 रुपये में एक्सचेंज में ले लेते हैं, उसकी जगह पर आपको नई LED दे देंगे, जो भी उसका डिफरेंस होगा वो आपको पे करना होगा। और ऑल इंडिया लेवल पे हम शिपिंग और कैश ऑन डिलीवरी सर्विस देते हैं। आप इसका परचेज लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारे के सारे सेटअप बॉक्स का जो लीस्ट पॉसिबल प्राइस होगी आपके लिए, और ऑल इंडिया शिपिंग फैसिलिटी विद कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी दे रहे हैं। इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, उसके लिए चैनल पर आप बने रहें, और आप अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लाइक दबा दें, और जो भी आपके नीडी फ्रेंड हैं जिनको इस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।